अलग अलग कार्यों में खर्च किए जाने की योजना बनाई है। 2028 के सिंहस्थ मेले के सफल आयोजन के लिए सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए उज्जैन में एक साथ कई योजनाओं को पूरा करने पर सरकार काम कर रही है। मेले में पहुंचने वाली लाखों की भीड़ को देखते हुए उज्जैन पहुंचने वाले सड़कों को 4 और 6 लेन बनाया जाएगा। सिंहस्थ की जमीन पर 1500 कारों की बड़ी पार्किंग बनाई जाएगी। उज्जैन 30 करोड़ की लागत से प्रसादम बनेगा। 598 करोड़ की लागत से छिपरा नदी का शुद्धिकरण किया जाएगा। कुल बजट के हिसाब से हर महीने 523 करोड़ रुपए तैयारियों पर खर्च किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी को सड़कों के 80 काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आने वाले 3 सालों में बजट का आवंटन कैसे होगा, इसकी भी तैयारी की जाएगी। इस बार जो बजट सिंहस्थ के लिए जारी किया जाएगा वो 2016 के सिंहस्थ की तैयारियों से 6 गुना ज्यादा होगा। 2016 में जहां 2748 करोड़ रुपए सिंहस्थ पर खर्च किए गए थे, वहीं इस बार सरकार 18840 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सिंहस्थ के प्रमुख स्थान मंगलनाथ मंदिर के पुजारी भी मानते हैं कि सिंहस्थ के लिए कई इंतजाम है। पिछले साल लगभग 3 से 4 करोड़ जनता पूरे मेले में आई थी, काफी खास है। यहाँ जहाँ हजारों साधु संतों को ठहराया जाता है, वहीं लाखों श्रद्धालु शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। ऐसे में यहाँ पर सरकार की खास नजर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ की डेट घोषित हो चुकी है। 2028 में सिंहस्थ लगना है और इसके लिए जो तारीख है वो 27 मार्च की तारीख घोषित की गई है और इसको लेकर तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। राज्य शासन ने इसे लेकर 18,500 करोड़ का बजट घोषित किया है। करीब 19 विभागों ने इस पूरे आयोजन को लेकर अपना अपना जो रोडमैप है वो तैयार किया है। इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं ये उज्जैन के मंगलनाथ का घाट है, जहां पर सिंहस्थ का मेला लगता है और यहां पे किस तरीके से काम जाना है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे मिस्त्री देख रहे हैं काफी ज्यादा गंदगी भी है और सबसे बड़ी बात ये कि शिप्रा नदी का जो जल है वो भी काफी इस वक्त प्रदूषित नजर आ रहा है और इसी को लेकर शिप्रा नदी को साफ करने के लिए और जो कानन नदी का पानी इसमें मिल रहा है उसके लिए